मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। ये शिवराज सरकार के चौथे कार्यालय का अंतिम बजट है। ये बजट 3,14,025 करोड़ का है। पिछले साल जो है बजट 2,79,697 करोड़ का था। इस बार जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, यूथ और किसानों पर फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में 1.2 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। इसमें स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा गया है। साथ ही फर्स्ट डिवीजन से 12वीं पास करने वाली छात्राओं को ई स्कूटी भी दी जाएगी। बेरोजगारों को 1 लाख सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की जाएगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 15 साल पुरानी सरकार गाड़ियां प्रदेश में अब नहीं चलेगी। सरकारी गाड़ियों के चलने को जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाएगा। अप्रैल से नीति लागू हो जाएगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री 1 घंटा 50 मिनट बोले। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट आया है। कैसा रहा इस बार का बजट, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप ये देखिए। मैं एक और बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। 1 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस बार एक नई योजना मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, जो शासकीय स्कूल में 12th क्लास में अपने स्कूल में पहले नंबर पर आएगी, उस बिटिया को स्कूटी ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। रोजगार के लिए 1 लाख से ज्यादा नौकरियों पर भर्ती चल ही रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त स्वरोजगार की योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम जैसी, उद्यम क्रांति जैसी योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान और अपने नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए भोपाल में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, उसी की तर्ज पर ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में ये बड़े स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। किसानों के लिए, कृषि के लिए, खेती के लिए लगभग 53,964 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। गांधी जयंती योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई में नहीं लगे यार। हम साथ, हमने साथ घोषणा करी है कि हम कोई गांधी जयंती का ध्यान नहीं देंगे। हम महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे हमारी सरकार। चलिए इसी के साथ आपको बता दें कि आज बजट पेश हो गया है। काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें इसमें निकल कर सामने आई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे सरकार द्वारा की गई है। अब देखना खास ये होगा कि कितनी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर ये बातें जो है सही सामने होती है। और इस बजट पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जो है इस खास पैनल पर मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ अनुसूचित जाति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष तरुणा चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी विवेक त्रिपाठी जी आपसे। आपने अभी सुना होगा इस बजट को लेकर काफी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है। अमृत काल का बजट इसे कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमृत बरसाए गए बजट। क्या प्रतिक्रिया है आपके इस पर विवेक जी? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है, एक बदहाल अर्थव्यवस्था का यहाँ पे दूसरा चेहरा दिखाने का असफल प्रयास है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। हर वर्ग आज परेशान है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। बेरोजगारी से मध्य प्रदेश का युवा परेशान है। और बजट से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जो लाखों की संख्या में शासकीय पदों पे भर्तियां होनी है उनमें सिर्फ 1 लाख की घोषणा की गई, जबकि रिक्त पद 5 लाख से ज्यादा उसकी संख्या है। 1 लाख नए पदों की बात यहाँ पे की गई है, जिसमें परीक्षा के माध्यम से फिर बेरोजगारों को ठगा जाएगा।
विगत कई सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार परीक्षाओं के नाम पे छात्रों से पैसा वसूल लेती है, परंतु ना परीक्षा के परिणाम आते हैं ना उनको नियुक्ति दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में युवा एक जो सबसे बड़ा वर्ग है वो सबसे ज्यादा परेशान है, उसको इस बजट से मैं समझता हूँ पूरी तरीके से निराशा हाथ लगी है। युवाओं के लिए कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ अच्छा नहीं दिया गया है। पिछली सरकारों में जो नई योजनाएं इन्होंने लागू की थी उसके नाम बदल बदल के उन योजनाओं को बंद कर दिया गया, नए नामों के साथ पुरानी योजनाओं को यहाँ पे जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है। बजट पूरी तरीके से फेल है। यहाँ पे जो घोषणाएं की गई हैं कि 1,00,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी सरकारी, जबकि 5,00,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा है कि 6,000 युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत ऐसे शिक्षित युवा हैं जो अपने रोजगार की तलाश कर रहे हैं, जिनको कहीं भी मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है। कौशल विकास योजना है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई करोड़ों रुपए खर्च करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महोदय को मजबूरन अपने अधिकारियों को निर्देशित करना पड़ता है कि चहेतों को टेंडर देना बंद करें। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। बजट कितना भी हो, इतना बड़ा घाटे के साथ में जो आप पुनः कर्जा लेने का यहाँ पे काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर्जा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर कर्जा ले रही है और कर्जा लेकर जो घी पीने का काम सरकार कर रही है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डगमगा चुकी है। जी बिल्कुल, कैलाश जी की और रुक करेंगे। कैलाश चलिए, कुछ तकनीकी की समस्या के कारण कैलाश जी का अभी हम रुक नहीं कर सकते, सीधे अब हम रुक करेंगे तरुणा जी का। तरुणा जी, बात बजट की हो तो भले घर का बजट हो या देश का बजट हो या प्रदेश का बजट हो, उसमें महिला वर्ग का एक काफी ज्यादा योगदान रहता है। और इस बार के बजट में जैसा कि आपने देखा, आपको क्या लगता है इस बार के बजट में महिला वर्ग के लिए क्या कुछ काम किए गए हैं, क्या सच में भी जमीनी स्तर पर भी महिला वर्ग के लिए बजट सुचारू साबित होगा? जी तरुणा जी, देखिए 3,14,025 करोड़ का ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की समृद्धि का बजट है, जिसमें शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना, जो कि एक ऐसी ऐतिहासिक योजना है जो समाज में एक परिवर्तन लेकर आएगी, जो भारत की किसी भी सरकार ने ये योजना चालू नहीं की आज तक। पहली बार भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए पहल की लाडली बहना योजना के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की योजना 5 मार्च से शुरू होने वाली है, जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जी जी बिल्कुल विवेक जी, आप महिलाओं में काफी खुशी है, महिलाएं काफी उत्साहित है कि शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए 1 माह प्रति माह 1,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। जी जी बिल्कुल विवेक जी, जैसा कि आपने अभी सुना तरुणा जी को, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपये प्रति माह लाडली बहना योजना के तहत दिए जाएंगे। और उसके बाद जो है सत्र से बाहर निकलने के बाद कमलनाथ जी भी ये बात कहते हैं, उन्होंने भाजपा ने 1,000 की बात कही तो वहीं कांग्रेस 1,500 रुपये की बात कर रही है, क्या कहेंगे आप? लेकिन आज महंगाई है, उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे इस महंगाई में राहत देने का कार्य करना चाहिए था, महंगाई पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आप कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं, प्रदेश को विकास के नाम पे आप बार बार लाखों करोड़ रुपए लेते हैं, जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है ना, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, ना स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो रहा है, ना किसानों की बदहाल स्थिति में कोई सुधार हो रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, 1,000 रुपए में 2 गैस सिलेंडर भी नहीं आते, 6 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण क्या 1,000 रुपए में कोई महिला कर पाएंगी? आज इतनी फीस इतनी महंगी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, आम जनता का आम महिलाओं के किचन तक की व्यवस्था है, इतना महंगा गैस सिलेंडर, इतनी महंगी सारी भौतिक दिनचर्या में उपयोग होने वाली जो चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान छू चुकी है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं इसमें महंगाई को अंकुश लगाने जी बिल्कुल विवेक जी, पर सवाल तो ये भी उठता है ना, सवाल तो ये भी उठता है कि एक तरफ महिला को स्वावलंबी बनाने की बात दोनों पार्टी करती है, कांग्रेस द्वारा भी बात कही जाती है और बीजेपी द्वारा भी की जाती है, मगर क्या आपको वास्तविक ऐसा लगता है कि 1,000 या 1,500 रुपए देने से महिला स्वावलंबी होगी? जी लेकिन निश्चित ही अगर स्वावलंबी करना है तो शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने जाने चाहिए। मैंने पूर्व में भी कहा कि 5,00,000 से ज्यादा पद मध्य प्रदेश की शासन में शासकीय विभागों में रिक्त है, उनमें महिलाओं का कोटा तय कर दें, आप उनके लिए स्वावलंबी अगर बनाना चाहते हैं तो रोजगार के नए रास्ते खोलें। शिक्षित अशिक्षित मिला के लाखों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो कार्य करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, बस जरूरत है तो एक अच्छे मौके की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की। उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध कराने के लिए आपने कौशल विकास
बहुत बड़ी योजना थी जिसको भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। कौशल विकास को अगर जमीनी रूप से ठीक तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो मैं समझता हूँ 1000 रुपए 1500 रुपए बांटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर हम उसको बेहतर करें, हम आर्थिक रूप से समृद्ध करना चाहते हैं मध्य प्रदेश को, आधी आबादी जो कही जाती है देश की महिलाएं हैं, अगर हम उनको स्वावलंबी करना चाहते हैं तो उनकी शिक्षा उनके रोजगार पर हमें ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल तरुणा जी, शिक्षा और रोजगार की यहाँ बात आती है, विवेक जी ने अभी बात कही, इस पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा और रोजगार के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए इस बजट में? देखिए, शिक्षा के लिए लाडली लक्ष्मी योजना सीएम साहब के द्वारा चल रही है, जिसमें जिसमें आंगनवाड़ी से लगा के जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब उन्हें भरण पोषण के लिए पैसा दिया जाता है। हर चीज के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए शिक्षा हो, बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल, सभी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और 60 साल में आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, आप बताइए ना, आपने क्या किसी को ये दुर्भाग्य है भाजपा का, ये दुर्भाग्य है कि 18 साल की सरकार की अपनी विफलता को छुपाने के लिए पूर्व की सरकारों पे आज तक आरोप लगा रहे हैं। आज भी ये अपनी विफलताओं पे अपना रिपोर्ट कार्ड सामने जनता के नहीं रख सकते कि 18 साल में हमने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए थे, जिसका रिजल्ट ये, इनका रिजल्ट सिर्फ भ्रष्टाचार है। चाहे हम रोजगार की बात करें, व्यापम महाघोटाला जैसा इनकी सरकार में घोटाला हुआ, इन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश में घोटाले की सरकार है, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ घोटाले पे रहा है। आप यहाँ पे पेपरलेस बजट की बात करते हैं, आपके बजट के बाद मध्य प्रदेश की जनता कैशलेस होने वाली है। यहाँ पे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आम आदमी को अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का लालन पोषण करना यहाँ पूरी तरीके से दुर्भर होता जा रहा है। आप देखेंगे स्कूटी बांटने की बात कर रहे हैं, इससे पहले इन्हें स्मार्टफोन बांटे थे, मध्य प्रदेश की कई छात्राओं ने आके मुख्यमंत्री निवास में वो फोन फेंक के गई है, लाखों की संख्या में उनको घटिया क्वालिटी के स्मार्टफोन बांटे गए, जिनका ना कोई सर्विस सेंटर था, वो सिर्फ डब्बा थे और उसमें बहुत बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार हुआ। लाखों करोड़ रुपए जनता की जो गड़ी कमाई होती है, जो टैक्स से वसूला जाता है, उस कमाई को यहाँ पे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई। आपने अपने उपकृत चहेतों को उपकृत करने के लिए यहाँ पे ऐसे टेंडर निकाले जाते हैं, ऐसा घोटाला किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती है, कर्जा लिया जाता है और उससे अपने चहेतों को उपकृत करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और मध्य प्रदेश की जनता उसी बदहाल स्थिति में। आज 18 साल की सरकार में शिवराज मामा ये बताएं कि उन्होंने अपनी बहनों के लिए, अपनी भांजियों के लिए क्या विशेष किया। आप कर्जदार बना रहे हैं उन्हें, 1000 रुपए देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? 1000 रुपए देके आप अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाल पाएंगे। अगर महिलाओं को सजग और यहाँ पे स्वावलंबी बनाना है तो उनके लिए नौकरियों की निकाले जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ सरकारी पद जो रिक्त है उसमें महिलाओं का कोटा तय हो, उनके लिए नियुक्ति की तैयारी की। तरुणा जी, आपने विवेक जी को सुना, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, आपने कभी सुना है कांग्रेस ने कभी किसी गरीब को कोई आवाज दिया हो, किसी गरीब को शौचालय बनवा के दिया हो, या किसी गरीब के घर गैस चूल्हा लगवा दिया हो, या किसी गरीब को राशन दिया हो? मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। आप अभी भी जाएंगे तो देश, इस प्रदेश की और देश की किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया, कितने 90% लोगों के पास में जो सर्टिफिकेट होंगे वो इंदिरा आवास के होंगे, इंदिरा आवास के होंगे, प्रधानमंत्री आवास में। आज मध्य प्रदेश में आपके कितना बड़ा घोटाला है आपको जानकारी उसकी नहीं है? कृपया उसकी जानकारी एकत्रित कीजिए तो आपको पता चलेगा पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में 30% भी काम नहीं हुआ है, 30% भी काम नहीं हुआ है आपको। अभी मुद्दा महिलाओं की, महिलाओं के स्वरोजगार का है, मैं रोकना चाहूंगी आपको। अभी मुद्दा हम महिलाओं के स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बजट में आया है, सीधा सा मुद्दा है कि क्या स्वावलंबी बनाने के लिए क्या करेगी सरकार। चलिए अब मुद्दा, अरे इनकी सरकार तो महिलाओं को लाठी डंडों से मारती है। भाजपा कार्यालय में अतिथि शिक्षिकाएं हमारी आई थी, रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर आई थी शिवराज मामा के लिए कि भैया राखी बंधवा लो, जो हमारी नौकरियां है वो तो हमें दे दो। इन्होंने उनको लाठी डंडों से मारा। अभी बजट में एलोकेशन किया गया है, शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है, महिलाओं की कैसी आप ये देखिए ना। देखिए, कोरोना काल में जिन महिलाओं ने स्टाफ नर्स के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की जान की रक्षा की, वो बाद में अपने मानदेय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हुई। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 6 महीनों में सैकड़ों संगठन, आशा कार्यकर्ता हो, नर्सिंग स्टाफ हो, अतिथि शिक्षक हो, वो निरंतर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बजट, ये आखिरी भाजपा ने अपना बजट पेश किया है जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। वो आगामी चुनाव में इनको सबक सिखाएगी, इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगी, आप देखिएगा।
चलिए, क्या कुछ कहेंगी तरुणा जी? अब आपने सुना कि जो इन्होंने एक मुद्दा रखा है कि कार्यकर्ता जो है शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ता है, खुश है तभी तो हमारी सरकार है देश में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सरकार है, ये खरीद फरोख्त की सरकार है। सरकार कैसे बनी ये मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। चलिए विवेक जी, एक बात ये भी है, इस बार का बजट आपने भी देखा होगा, अलग अलग विभागों के लिए जो है अलग अलग अलोकेट किए गई है, अलग अलग अमाउंट अलोकेट की गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा जाए इस बार का बजट अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो हर विभाग जैसे युवाओं के लिए और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए यहाँ पर सरकार ने अपना ध्यान आकर्षित यहाँ पर किया है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ सरकार ने, लाडली बहना योजना के लिए नई शिक्षा नीति लागू करी, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी, 3,14,025 करोड़ का ये बजट। बहन हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी पर पढ़ाई करने के बाद में उनकी नौकरी को क्या होगा? आप मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करा रहे हैं, पूरे विश्व भर में कौन कराता है ये बताइए ना, कहाँ करेंगे वो लोग नौकरी? विवेक जी, तरुणा जी कह रही है जैसे कि हम भी देख रहे हैं ये सब की लाडली लक्ष्मी योजना एक बहुत बड़ा पास साबित हुआ है, सरकार की योजना है, काफी ज्यादा सक्सेसफुल हमने देखा है, तो हम ये भी कह सकते ना कि लाडली बहना योजना जो लाई जाएगी वो भी सफलता कैसे होगा? 1,000 लाडली लक्ष्मी योजना हमारी बेटियां, देश की बेटियां बाहर पढ़ाई करने जाती है तो उसमें भी शिवराज सिंह चौहान बहन, आपकी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाहर पढ़ाई करने वाली तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में जो बच्चे स्कॉलरशिप लेके पढ़ाई कर रहे हैं 3-3 साल से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, मध्य प्रदेश की बच्चियां ही मध्य प्रदेश में रह के पढ़ाई नहीं कर पा रही है क्योंकि आपकी सरकार ने वादा किया था कि हम स्कॉलरशिप हम देंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसकी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, 4 साल की डिग्री 6-6, 8-8 साल की हो गई है, परीक्षाएं नहीं हो रही है। कल ही माननीय उच्च न्यायालय ने आपकी सरकार को फटकार लगाई है कि आप भ्रष्टाचार आपका बढ़ गया है, फर्जी मान्यताएं देना बंद करें, फर्जी कॉलेजों में बच्चे एडमिशन लेके फंस जाते हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, आपको इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और सरकार को वहां की मुंह की खानी पड़ रही थी, माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई है, आपको जानकारी शायद नहीं है, सारी सुविधाएं बंद कर दी आपकी सरकार ने, तो कभी बेटियों के लिए सोचा ही नहीं आपकी सरकार ने, कभी महिलाओं के लिए सोचा ही नहीं आपकी सरकार ने। जी तरुणा जी, विवेक जी, समय का अभाव होने के चलते इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात तो ये खास होगी कि बजट जो कि बन गया है, हर साल बजट बनते हैं, मगर अब देखना खास ये होगा कि धरातल पर ये बजट कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।